सुनील पाटीदार और अपने इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट वायरल फटीग। पोस्ट वायरल फटीग का मतलब होता है कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद हमें जो कमजोरी रहती है, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं और उसमें किसी भी तरीके से राहत नहीं मिलती है। तो ये क्रॉनिक वायरल फटीग क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसको दूर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि बुखार के बाद आई कमजोरी की होम्योपैथिक दवाइयाँ। दोस्तों, बुखार के बाद कमजोरी आना ये बहुत आम समस्या है। जैसे आपको फीवर हुआ, फीवर ठीक हो गया लेकिन कमजोरी बहुत ज़्यादा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पूरा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है। अगर आपको बुखार हो गया, मान लीजिए आपको 5 दिन 10 दिन बुखार रहा, बुखार तो ठीक हो गया। दोस्तों, होता क्या है कि बुखार इन्फेक्शन के कारण होता है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन मोस्टली वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। मलेरिया के कारण होता है, टाइफाइड के कारण होता है या फिर यूरिन इन्फेक्शन के कारण आपको बुखार आता है। तो जब इन्फेक्शन होता है, फीवर आता है, तो हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है और WBC बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। तो जब आप ठीक हो जाते हैं तो WBC तो आपके नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जो प्लेटलेट्स और जो हीमोग्लोबिन है कम का कम ही रहता है। इस कारण आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, डिहाइड्रेशन आपको होता है फीवर की कंडीशन में, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको वीकनेस लगती है। कितनी वीकनेस लगेगी कि जितना आपका फीवर की और वायरल इन्फेक्शन की इंटेंसिटी थी। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो वीकनेस भी आपको ज़्यादा दिनों तक रह सकती है। और आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि पहले के मुकाबले आजकल फीवर में बहुत ज़्यादा ही वीकनेस आपको महसूस होती है। तो अगर फीवर के बाद आपको वीकनेस महसूस हो रही है, तो दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया कि कई कई महीनों तक चलती रहती है। और किसी भी तरीके से यदि आपको इस वीकनेस को ठीक करना है, तो इसके लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करना है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2 डाइल्यूशन इसके लिए, और बताने वाला हूँ 1 बायोकेमिक कॉम्बिनेशन और 1 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन, जिससे कि आपकी वीकनेस की समस्या बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो फीवर वीकनेस की लिए एक जो स्पेसिफिक जो हमारी मेडिसिन है, वो है जेलसीमियम 30, जो डाइल्यूशन में दवाई आती है। और मोस्टली जब पेशेंट को चक्कर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, उठने बैठने में उसको तकलीफ़ होने लगती है, हाथ पैरों में एकदम बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को वीकनेस होती है, और यहाँ तक कि उसके सर में भी भारीपन जब रहता है, और पेशेंट कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी उठ भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा उसको महसूस होता है, तब आपको जेलसीमियम 30 यूज़ करना है। अगर इसके साथ में अगर आपको थोड़ा फीवर है, अंदरूनी बुखार है, तो भी वो इससे ठीक हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसकी पिक्चर में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। जेलसीमियम 30 पोटेंसी में हम जब भी लेते हैं, बुखार के बाद आने वाली कमजोरी को ठीक करती है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट ये देती है, और आपको हल्का हल्का बुखार रहता है वो भी इससे ठीक होता है। इसमें पेशेंट को डलनेस, ड्रॉजीनेस और डिजीनेस इसमें हो रही होती है। तो ये जो 3 डी हैं दोस्तों, ये जेलसीमियम के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं, इसके की नोट सिम्टम होते हैं। सो अगर किसी पेशेंट में ये 3 सिम्टम हैं, तो आपको जेलसीमियम 30 का प्रयोग करना है 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात को अगले 7 दिनों के लिए। सेकेंड जो इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है फीवर के बाद की वीकनेस को दूर करने के लिए, वो है दोस्तों चाइना 200। चाइना बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है कमजोरी के लिए। शरीर में अगर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूड हुआ है, उसके बाद कोई कमजोरी आपको डेवलप हुई है, तो वो बहुत अच्छा है, काम करती है चाइना मेडिसिन। इसके साथ साथ फीवर के बाद आने वाली कमजोरी, और फीवर जो 3 स्टेज में होता है, यानी कोल्ड, हीट और स्वेट वाले जो फीवर होते हैं, टिपिकल मलेरिया टाइप का हो या किसी और किस्म का फीवर हो जिसमें कि ये 3 स्टेजें होती हैं, तो उसके बाद यदि आपको ऐसे फीवर आने के बाद वीकनेस रह गई है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको है, तो आपको चाइना यूज़ करनी है, और यह आपको आपकी हेल्थ से आपको रिकवर करने में मदद करेगी। जैसा आप पहले एनर्जेटिक फील करते थे, वैसा ही आप एनर्जेटिक फिर से फील कर पाएंगे वायरल के बाद या किसी भी किस्म के फीवर के बाद। तो आपको चाइना मेडिसिन लेनी है, 200 में से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे इसको लेना होता है, दिन में 3 बार। आराम मिलने के बाद आप मेडिसिन इसका लेना बंद कर सकते हैं। एटलीस्ट जो मैंने 2 डाइल्यूशन ये भी आपको बताया, इनका प्रयोग आपको करना ही करना है हर केस में, जेलसीमियम 30 और चाइना 200। इसके बाद दोस्तों हमारी तीसरी मेडिसिन आती है, जो कि मदर टिंचर है, एवेनसेटाइवा का क्यूब। ये नर्वस सिस्टम पे काम करता है और आपकी जो कमजोरी है उसको दूर करके शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। साथ ही में उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम है, जैसे कि नींद आना,
कंसंट्रेशन की कमी, याददाश्त की कमी, तो इन सारी चीज़ों को दूर कर शरीर को स्फूर्तिमय बनाता है और कमजोरी को दूर करने में सक्षम है। इसके बारे में कहा गया है कि एग्जॉस्टिंग डिसीजेज के लिए मेन मेडिसिन होती है, यानी कोई भी एग्जॉस्टिव डिसीज जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा वीकनेस इसके बाद आ जाती है, ऐसे में ये एक टॉनिक की तरह काम करती है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है दोस्तों वो हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक इश्यूज जो होते हैं या जो पोस्ट वायरल फैटिक सिंड्रोम होते हैं, तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छा ये काम करती है टॉनिक की तरह। इसके डोजेज की बात करें तो एवेना सेटाइवा को आप ले सकते हैं 20-20 बूंद एक चौथाई कप पानी में दिन में 3 बार। चलिए अब हम चौथी मेडिसिन और लास्ट मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है 5-4-6-6 टेबलेट। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नहीं होता, बायोकेमिक सॉल्ट होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि शारीरिक और मानसिक कमजोरी। तो 5-4 में जो 5 जो फॉस हैं जो बायोकेमिक सॉल्ट हैं उसमें है फेरम फॉस, किल्केरिया फॉस, काली फॉस, नाइट्रम फॉस, मैग्नीशियम फॉस। तो ये सारे जो फॉस हैं ये हमारे शरीर के एवरी ऑर्गन को कवर करते हैं और हमारे हर टिश्यू को अफेक्ट करते हैं। उसके द्वारा जो कमजोरी प्रोड्यूस होती है उसको दूर करने में सक्षम है। तो एक टॉनिक की तरह कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। बीमार की बात की कमजोरी के रूप में दूर करने के लिए इसको दिया जाना चाहिए। 6-6 टैबलेट होती है, 4-4 गोलियां सुबह दोपहर रात में इसका जो डोज है वो दिया जाना चाहिए एडल्ट व्यक्ति के लिए, और बच्चों के केस में 2-2 गोली दिन में 3 बार आप दे सकते हैं लगातार 1-2 महीने के लिए। दोस्तों इसके अलावा आप हमसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं किसी भी बीमारी के लिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आप जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे ग्रेटिंग मैसेज आपको मिलेगा और पेमेंट की जो सारी डिटेल है कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो आपको बताया जाएगा, और यहाँ पर हम आपकी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और एक और बात दोस्तों कि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है हम आपकी सुविधा के लिए कुरियर सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको उसमें परेशान ना होना पड़े मेडिसिन के लिए या उसकी जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना रहे। तो इसके लिए हम आपको डायरेक्ट टू होम सर्विस आपके लिए प्रोवाइड करा देते हैं दोस्तों। तो उसकी डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी और आपके ज़रूर काम आएगी। और बहुत सारे लोगों की दोस्तों रिक्वेस्ट थी कि पोस्ट फीवर इलनेस के लिए जो है कि कुछ मेडिसिन मैं सजेस्ट करूँ, तो इसके लिए आज ये मैंने वीडियो यहाँ पर बनाया है। तो दोस्तों आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।